Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends. So, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ दो इम्पोर्टेंट सेक्शंस, दैट इज सेक्शन 108 एंड 110, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस एंड वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट. इन दोनों का मतलब क्या होता है हम वो समझेंगे, दोनों से रिलेटेड प्रोविजंस क्या है, वोटिंग जब भी मीटिंग में होगी तो पोस्टल बैलेट के थ्रू कैसे होगी, और इलेक्ट्रॉनिक मींस से रिलेटेड प्रोविजंस यानी कि कुछ कंडीशंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा रखी है और आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी. और इतना ही नहीं, क्या हर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू वोटिंग कर सकती है, ये सभी क्वेश्चंस के जवाब हम इस वीडियो में आज देखेंगे. So, आज के टाइम में जितनी भी कंपनीज की मीटिंग्स होती है, चाहे वो लिस्टेड कंपनीज हो, अनलिस्टेड कंपनीज हो, प्राइवेट कंपनीज हो या फिर पब्लिक कंपनीज हो, उन सभी मीटिंग्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको गैदर करके मीटिंग कैसे की जाए. यहाँ पर मीटिंग्स कितने टाइप की होती है हम ऑलरेडी देख चुके हैं. जब शेयर होल्डर्स मार्केट में जितने भी होते हैं वो आके एक साथ बैठते हैं तो हम उसे कहते हैं मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स यानी कि जनरल मीटिंग. इतना ही नहीं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि BOD सब एक साथ जब भी बैठते हैं और किसी चीज को डिसाइड करते हैं, कुछ रिजोल्यूशन पास करते हैं, तो हम उसे कहते हैं बोर्ड मीटिंग. और अगर कोई स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल यानी कि क्रेडिटर्स कहिए या फिर प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स कहिए, ये सभी लोगों की जो मीटिंग्स होती है उन्हें हम कहते हैं स्पेसिफिक क्लास मीटिंग्स. तो इन तीनों तरीके की मीटिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो हमने प्री रिक्विजिट यानी कि जितने भी मीटिंग होने के शुरुआत वाले काम है वो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं. यानी कि बिफोर मीटिंग हमको देखना रहेगा, सेक्शन 101 में हमने देखा है कि नोटिस कैसे पास किया जाता है, और उसके बाद में नोटिस अगर आपने पास कर दिया है तो उसके साथ में स्पेशल बिजनेस है या फिर ऑर्डिनरी बिजनेस है, ये सेक्शन 102 हमको बताता है. ये दोनों ही सेक्शंस मीटिंग होने के पहले वाले हैं यानी कि बिफोर मीटिंग हम इनका ध्यान रखते हैं. अब अगर हम ड्यूरिंग द मीटिंग की बात करेंगे तो कोरम हमने देखा था कि कितने मिनिमम रिक्वायर्ड मेंबर्स है जो हमको चाहिए रहेंगे. अगर उतने रिक्वायर्ड मेंबर्स है तो फिर मीटिंग को शुरुआत किया जा सकता है और बोला जा सकता है दैट इट्स अ वैलिड मीटिंग. कोरम के साथ में हमने देखा था कि मीटिंग को हेड कौन करेगा, यानी कि जैसे कंपनी का चेयरमैन होता है, CEO होता है, MD होता है, वैसे हर मीटिंग का एक चेयरमैन होता है, उसको अपॉइंट करने की कंडीशंस हमने देखी. और इतना ही नहीं, जो कॉलेजेस में हम प्रॉक्सीज लगाते थे तो क्या वो सिस्टम यहाँ पर मीटिंग्स में भी लग सकता है, वो हमने सेक्शन 105 के थ्रू भी देख लिया है. अब हम आगे बढ़ते हुए वोटिंग्स के सेक्शंस की सीरीज में देखते हुए हम आगे बढ़ चुके हैं. सेक्शन 106 हमको बोल रहा था कि रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, यानी कि कोई भी मेंबर है उसको वोटिंग करने के लिए मना किया जा सकता है. ऐसा कंपनीज के पास में क्या पावर है? यस, बट उनके आर्टिकल्स में ऐसा पावर होना चाहिए, तो वो सेक्शन 106 में रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं. उसके बाद में हमने देखा था सेक्शन 107, 109, ये दोनों सेक्शंस हमने साथ में देखे थे, क्योंकि क्लासरूम में जब भी हम बचपन में बैठते थे तो हमने देखा था कि जब भी आपसे कोई भी चीज पूछी जाएगी तो उसका एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट हाथ ऊपर करके हम बताया करते थे. उसी सिस्टम को हम यहाँ पर कहते हैं शो ऑफ हैंड्स. तो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स जब भी होगी तो हम उसे कहेंगे सेक्शन 107. उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक मींस है यानी कि 108 और 110 जो पोस्टल बैलेट है वो अब हम समझेंगे. अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा वो ये है कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू हर कंपनी वोट कर सकती है, वो अपने मेंबर्स को बोल सकती है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दीजिए. तो सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिकली वोट करने का मतलब क्या है. इसका सीधा सा मतलब है, बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज में अगर हम समझेंगे तो वो ये है कि पर्सन को, मेंबर को फिजिकली अवेलेबल वहां पर वेन्यू पे होने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे बैठे वहां पर वोट दे सकता है और वो बता सकता है कि मुझे किसको वोट देना है या नहीं देना है. उसका पूरा प्रोसीजर क्या है वो हम समझेंगे सेक्शन 108 में अभी आगे. पर उससे पहले हमें समझना होगा क्या सभी कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू वोटिंग करना अलाउड है, क्या किसी भी कंपनी के मेंबर्स इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है. आज के युग में, आज के टाइम में अगर हम देखें तो यहां पर सभी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, तो वोटिंग क्यों ना हो. इतने सारे मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसका हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, पर क्या उसके मेंबर्स सिर्फ मुंबई में है? नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री के
जो इतने भी मेंबर्स हैं लाखों, वो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, अलग अलग स्टेट से हैं और बाहर के भी हैं। तो जब कंपनी बोलती है कि आइए जनरल मीटिंग को अटेंड करिए, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू कम एट द वेन्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री और एनी एक्सवाईजी कंपनी। तो यहाँ पर सभी मेंबर्स को ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अगर नहीं आ पा रहे तो मत आइए, पर आप इलेक्ट्रॉनिकली घर बैठे बैठे आपके लैपटॉप में इंटरनेट के थ्रू आप वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड कंपनीज है, मींस जिनको इलेक्ट्रॉनिकली वोट करना ही है या फिर अलाउड है, उनमें सबसे पहला नाम है लिस्टेड कंपनीज। मींस जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है जो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है, उन सभी कंपनीज को कंपल्सरीली इलेक्ट्रॉनिकली वोट करना है, ऐसा नहीं है, बट उनको एक ऑप्शन दिया गया है दैट लिस्टेड कंपनी कैन ऑप्ट फॉर द ऑप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग। उसके बाद में और भी कोई दूसरी कंपनीज है, एनी अदर कंपनीज, तो वहां पर ये कंडीशन है कि अगर कोई दूसरी कंपनी है लिस्टेड कंपनी के अलावा और उनके जो मेंबर्स है वो मोर देन 1000 है, 1000 मेंबर से ज्यादा है, तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिबिलिटी नहीं है, हमको दिख रहा है 1000 लोग एक साथ नहीं आ सकते। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है, जिसको समझने से आपको टॉपिक इजी होगा, वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिकली वोट हम क्यों कर रहे हैं, अगर मेंबर्स नहीं भी आए हैं मीटिंग में तो क्या प्रॉब्लम है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बहुत सारे रिजोल्यूशंस होते हैं जो कंपनी को पास करना है, जिनके लिए कंपनी को सभी मेंबर्स की जरूरत होती है, बट सब लोग आ नहीं सकते। आप मुझे बोलेंगे कि आप सूरत जाइए और वहां पर एक कंपनी, उन्होंने मीटिंग हेल्ड करी है, तो मैं सब काम छोड़ के वहां नहीं जा सकता उनके रिजोल्यूशन पास करने के लिए, बट वो इंपॉर्टेंट चीज है और मुझे उस पर वोट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं घर बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दूंगा। सो ये एक सिंपल सा तरीका एट लार्ज मेंबर्स को इंक्लूड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली चूज किया गया है। सो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया है, लिस्टेड कंपनीज कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन, एंड एनी कंपनी हुज नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन 1000 कैन ऑप्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग। अब कुछ कंपनीज ऐसी है जहां पर कंपल्सरीली उनको इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, कि आप जरूरी नहीं कि आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट किया जाए, आपके मेंबर्स ऐसे तरीके से वोट करें। तो पहली कंपनीज जो है आपको सेकंड बुलेट पॉइंट में दिख रहा होगा, वो है निधि कंपनीज। जितनी भी निधि कंपनीज होती है, अब निधि कंपनीज क्या होती है आप पूछेंगे, तो मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया है, पर आपको एक लाइन में शॉर्ट में बताना चाहूंगा, एक ऐसी कंपनीज होती है जो अपने ही मेंबर्स को लोन्स देती है और अपने ही मेंबर्स से जितना ऐसा आता है उनके एडवांटेज के लिए यूज करती है, उनका और कोई बिजनेस नहीं होता है, वो अपने मेंबर्स के एडवांटेज के लिए ही कंपनीज बनी गई है, सेल्फ एडवांटेज के लिए, उन कंपनीज को हम निधि कंपनीज कहते हैं। तो निधि कंपनीज को कंपलसरी नहीं है और ये एप्लीकेबल भी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर पाए। दूसरा है ऐसी कंपनी जो SME स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है और दूसरे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर्ड है। तो ये तीनों कैटेगरीज वाली जितनी कंपनीज हैं, उनको कंपल्सरीली एप्लीकेबल नहीं है इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग का सेक्शन, जो है 108। तो अभी तक हमने देखा है कि किनको एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनीज को यस, ऐसी कंपनी जिनके मेंबर्स 1000 से ज्यादा है वो, निधि कंपनीज, SME स्टॉक एक्सचेंज और बचे हुए जितने भी दूसरे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, उन सब पर ये सब चीजें एप्लीकेबल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की। अब इलेक्ट्रॉनिकली जब वोट हो रहा है तो एक लॉजिकल चीज सामने आती है कि मेंबर्स को कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग का ऑप्शन है। तो उसके लिए यहाँ पर प्रोविजन ये बोलता है कि जब भी कंपनी ये डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग का ऑप्शन है, तो उनको एक नोटिस जो रहेगा मीटिंग का, वो जब भेजते हैं तो उसके साथ में उन्हें लिखना होगा कि हमने इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग का भी ऑप्शन रखा है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जानने लायक ये है कि लैपटॉप आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको वेन्यू पे ना हो तो ही आपका काम होगा। मींस आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के वेन्यू पर आ गए हैं जहां पर मीटिंग हो रही है, तो आप वहां भी बैठ के इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर सकते हैं और आप अपने घर बैठे बैठे भी वोट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सेक्शन 108 ये बोल रहा है दैट वोटिंग कैन बी डन एट द वेन्यू एंड Not at the venue also, means आप बाहर से भी ऐसा वोटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है फोर्थ पॉइंट, जहां पर हमने डिस्कस किया है कि रिमोट वोटिंग भी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं रिमोट ई वोटिंग, और वेन्यू पे आके भी हो सकती है। अब जो थर्ड पॉइंट बीच में रहा है वो ये है कि जब भी ये रिजोल्यूशन पास होगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, तो वो विदड्रॉ नहीं हो सकता है, मीन्स वो उतनी ही अहमियत रखता है जितना कोई दूसरे तरीके से वोटिंग की जा सकती है। शो ऑफ हैंड से होगा तो उसकी भी उतनी अहमियत है,
Until and unless show of hands में हमने देखा है, अगर पोल को डिमांड कर दिया गया है 109 वाला, तो फिर शो ऑफ हैंड्स के रिजल्ट को वहां पर रख दिया जाएगा और जो पोल से रिजल्ट आएगा उसको मान्य हम करेंगे। बट यहां पर अगर एक बार इलेक्ट्रॉनिकली मींस के थ्रू कोई भी रिजोल्यूशन पास हो गया है तो विड्रॉ नहीं हो सकता है। अब जो फिफ्थ बुलेट पॉइंट है यहां पर वो ये है कट ऑफ डेट का, मींस एक बार जब आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर रहे हैं तो कितने टाइम पीरियड पहले तक आप वो वोटिंग को अलाउ कर सकते हैं, तो वो है 7 days। Means 7 days prior to the GM आपको टाइम दिया जाएगा कट ऑफ डेट के लिए, जितने वोट तब तक आ गए सो आ गए, उससे पहले आप वोट नहीं कर सकते। अब कट ऑफ डेट के बाद में एक पॉइंट जो मैंने आपको बोला है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिकली वोट किया जा रहा है, तो डिस्क्लोजर दिया जाएगा नोटिस के अंदर, वहां पर पूरा प्रोसेस जितना भी मैनर है किस तरीके से वोट किया जाएगा, टाइम पीरियड बता जाएगा, वहां पर सभी इंफॉर्मेशन आपको उस डिस्क्लोजर के साथ में करनी पड़ेगी नोटिस के अंदर। और इसी के साथ में 2 newspapers में, और जब भी 2 newspapers की बात आती है हमको पता है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा और एक वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर होगा, मतलब लोकल लैंग्वेज जो वहां पर चलती है, उन दोनों न्यूज़पेपर्स में आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा दैट 21 डेज प्रायर, मतलब 21 दिन पहले आपको कम से कम वो एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग सो एंड सो कंपनी की चालू हो चुकी है और इसका तरीका ये है। और उसी के साथ में जब भी ईमेल भेजा जाएगा तो ईमेल जब भी मेंबर्स के पास में आएगा तो उसमें उनकी लॉगिन आईडी रहेगी और पासपोर्ट को जनरेट करने का तरीका वहां पर बताया जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिमोट ई वोटिंग भी दिखाई जाती है, की जाती है, मतलब कि वेन्यू के अलावा भी आप कहीं बैठे हैं तो आप ई वोट कर सकते हैं, पर उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो है ओनली 3 days प्रायर, मतलब कि अगर जीएम 21 तारीख को है तो 20, 19, 18, मतलब कि 18 तारीख तक का हम टाइम देंगे, 3 दिन में आप ई वोट कर सकते हैं, उससे पहले आप ई वोट नहीं कर सकते हैं। और वो 3 दिन पहले का जो टाइम है वो खत्म कब होगा, सो 21st को जीएम है तो 20th की शाम को 5 बजे यानी कि 1 दिन पहले 5 PM ऑन अ प्रीवियस डे उस चीज को क्लोज कर दिया जाएगा, मतलब 3 दिन पहले से चालू करिए, जिस दिन जीएम है उसके 1 दिन पहले शाम को 5 बजे तक उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद में एट लास्ट, जैसे कि हमने हर वोटिंग के टाइप में देखा है कि चेयरमैन जो होता है मीटिंग का वो एक स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट कर सकता है, वो स्क्रूटनाइजर CA हो सकता है, CS हो सकता है, CMA हो सकता है, ये तीनों ही पर्संस के साथ में कोई भी एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं स्क्रूटनाइजर जैसे। स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, जैसे कि उसका नाम है वो स्क्रूटनी करेगा कि पूरा प्रोसेस जो है, मैनर है, वो सही तरीके से फंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, कितने वोट्स फेवर में आए हैं, कितने अगेंस्ट में आए हैं, कुछ गलत वोट्स तो नहीं है जिनको वो लेगा ही नहीं काउंटिंग में, प्रॉक्सीज कैसे आई है, इन सभी चीज़ों को जो ध्यान में रख कर स्क्रूटनाइजर एक रिपोर्ट बनाएगा और वो एट लास्ट वो रिपोर्ट देगा चेयरमैन को। चेयरमैन स्क्रूटनाइजर के साथ में रिजल्ट्स को डिक्लेयर करेगा और उनके साथ में जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे होंगे तो 2 witnesses वहां पर रहेंगे। ये हमने पूरा सिस्टम देखा है 108 का, मींस वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिकली वोट किया जा रहा है, लिस्टेड कंपनीज या फिर 1000 members से ज्यादा वाली कंपनीज जो है वो इस ऑप्शन को चूज कर सकती है। NA याद रखिएगा, मतलब कि नॉन एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है, वो है निधि कंपनीज के ऊपर, SME स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड कंपनीज के ऊपर और ऐसी कंपनी जो अदर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर्ड है उनके ऊपर, उनको इलेक्ट्रॉनिकली वोट करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। नोटिस देना पड़ेगा, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा 21 डेज पहले का, कट ऑफ डेट 7 दिन का है और इतना ही नहीं 3 दिन के लिए अगर आपको रिमोट ई वोटिंग करना है तो 3 दिन पहले चालू हो सकता है बट 1 दिन पहले 5 PM तक आपको वो क्लोज करना पड़ेगा स्क्रूटनाइजर के साथ में, फिर लास्ट में रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं। सो दिस इज इट फॉर सेक्शन 108। अब इस वीडियो में हम 2 sections की बात करने वाले थे, तो 108 तो हमने देख लिया है, अब बचा है 110। जैसे कि पार्ट 2 हम बोल रहे हैं वोटिंग सेक्शंस का, तो 106 से लेकर पूरी कहानी 110 तक आई थी, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 106 मतलब रेस्ट्रिक्शन वाला, 107 यानी शो ऑफ हैंड्स वाला और 109 यानी कि पोल वाला वो हमने देख लिया था। तो बचे थे हमारे 108 और 110। 108 मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इतनी ही इंपॉर्टेंस है। अब हम समझेंगे 110 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसका नाम है वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। सो अब हम देखेंगे सेक्शन 110 पोस्टल बैलेट। तो पोस्टल बैलेट का सबसे पहले हम मतलब समझेंगे, पोस्टल और बैलेट ऐसे 2 words यहाँ पर लिए गए हैं। पोस्टल मतलब पोस्ट
तो वो बहुत ही जाहिर से हमको मतलब समझ में आ रहा है कि थ्रू पोस्ट यहाँ पर बात की जा रही है, और बैलेट मतलब कि क्या होता है, वो है वोटिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि पोस्टल बैलेट का मतलब ये हो रहा है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिकली सेक्शन 108 में समझा है कि वहाँ पर लोगों को फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर हम कहें कि वो जा नहीं पाते हैं तो वोट कैसे करें, तो उन्होंने 108 को यहाँ पर पिक्चर में लाया था। वैसे ही यहाँ पर 110 वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट है। पोस्टल मतलब होता है थ्रू पोस्ट, और या फिर बैले मतलब पोस्टिंग करना। अब यहाँ पर मीन्स में आप सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ेंगे वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिकली या फिर थ्रू पोस्ट वोट करना इंस्टेड ऑफ गोइंग या फिर अटेंडिंग जीएम। मीन्स पहला तरीका तो ये है कि कंपनी ने जनरल मीटिंग को बुलाया, जनरल मीटिंग आया, वहां पर मेंबर्स पहुंचे, वहां पर गए, खाना खाया, वोट किया और निकल गए। दूसरा तरीका ये है कि लोग वहां नहीं जा पाए, तो जीएम में जाने की बजाय लोग पोस्ट के थ्रू या फिर ईमेल या फिर इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर वोट कर सकते हैं। अब बात यह कि सेक्शन फिर 108 में जो इलेक्ट्रॉनिकली बात चल रही थी वो अलग है और पोस्टल वाली बात अलग है। यस, पोस्टल वाले सीन में क्या होता है कि सभी के एड्रेसेस पे एक भेजा जाता है पेपर, और वहां पर उनको ऑप्शंस दिए जाते हैं, वहां पर फीस भी साथ में एनवलप में डाल दिया जाती है वापस उनको पोस्ट करने की, ताकि मेंबर्स को दिक्कत ना हो। वहां पर ऑप्शंस दिए जाते हैं, आप उस पर टिक करिए, अपना वोट करिए, एनवलप को भरिए, फीस उसको साथ में यूज करके उसको पोस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर पोस्ट वाला तरीका अवेलेबल है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठ सकता है कि 108 और 110 थोड़ा सा कोलाइड हो रहे हैं, क्योंकि दोनों सेक्शंस का एक ही मतलब हो रहा है कि आप कैसे भी वोट कर सकते हो, पोस्ट के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिकली। तो यहाँ पर और इलेक्ट्रॉनिक मोड मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये अमेंडमेंट आ चुका है कि ऐसी कंपनीज है जिनको इलेक्ट्रॉनिकली करना आवश्यक है, कंपलसरी है, तो वो कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर सकती है। और जब जब मैं कंपनीज बोल रहा हूँ उसका मतलब है कि उस कंपनी के मेंबर्स, कंपनी वोट नहीं कर रही है बट मेंबर्स वोट कर रहे हैं, वो आप समझ जाइएगा। तो जो जो कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिकली करना अलाउड है सेक्शन 108 में, वो सेक्शन 110 को फॉलो नहीं कर सकते, नहीं करे तो भी चलेगा, और वो फिर 108 के तहत वहां पर वोट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जब सेकंड लाइन आप पढ़ेंगे अमेंडमेंट की, तो वहां पर मैंने यही लिखा है कि दैट कंपनीज जिनको 108 फॉलो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर सकती है, और उनको भी जीएम में आके वोट करने की आवश्यकता नहीं है, वो पोस्ट के थ्रू करे, अभी सेक्शन 110 की बात कर रहे हैं, और जिनको इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेबल है वो वैसे करें, पर जीएम में नहीं है। अब ये पूरा काम करने के पीछे पर्पस क्या है, तो पर्पस है जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी, यानी कि सभी लोग जितने भी मेंबर्स हैं वो वोट करना चाहते हैं, वो रिजोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं। बट जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था रिलायंस का, तो पूरे देश भर में उसके मेंबर्स हैं, वो सब मुंबई थोड़ी ना आ पाएंगे, तो वो मुंबई नहीं आ पा रहे तो वोट भी नहीं कर पा रहे, तो वो उस चीज से वंचित ना रह सके, मतलब कि उनको भी पूरा पूरा डेमोक्रेटिक राइट है कि वो वोट करे उस रिजोल्यूशन के ऊपर। तो सभी लोगों को एट लार्ज जितने भी मेंबर्स हैं उनको जोड़ने के लिए, ये पर्पस के लिए यहां पर सेक्शन 110 और 108 पिक्चर में आया है। अब यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि एक बार जब मेजोरिटी के साथ में वो चीज पास हो गई थ्रू पोस्टल बैलेट, तो क्या वो एक सही रिजोल्यूशन बन चुका है? यस, वंस इट इज पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स थ्रू पोस्टल बैलेट, तो फिर उसका मतलब ये है कि वो डीम टू बी एक रिजोल्यूशन बन चुका है, और उस पर बिल्कुल पूरा पूरा वैलिड तरीके से रिजोल्यूशन को इफेक्टिवली मान्य किया जाएगा। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। तो अब जितने भी वोटिंग सेक्शंस हमने पढ़े हैं उन सभी का एक फ्लो आप याद रखिएगा। सबसे पहले उसका हमने मीनिंग समझा है, अगर हम उस वोटिंग का जो तरीका है जिसको हम चूज कर रहे हैं तो उसका एक नोटिस जाता है, उस नोटिस के साथ में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अटैच करनी पड़ती है कि मेथड ऑफ वोटिंग क्या है। उसके बाद में हमने देखा है कि एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करना पड़ता है। ये सेम फ्लो सभी सेक्शंस में चला है और हमने वैसे ही पढ़ा है, तो वैसे ही यहाँ पर अब हम देखेंगे कि नोटिस, यानी कि यहाँ पर नोटिस देना पड़ेगा मेंबर्स को वापस कि हम पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करवा रहे हैं, तो उस नोटिस के साथ में उन्हें लिखना पड़ेगा क्लियरली और कि ये तरीका हमने अपनाया है। उसी के साथ में सभी मेंबर्स को
30 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा कि यस और नो, मीन्स असेंट या डिसेंट, जो भी वो करते हो 30 डेज में सभी शेयर होल्डर्स को रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर 30 डेज के बाद में कुछ भी रिप्लाईज आते हैं तो दे विल बी डीम्ड कि वो रिप्लाईज आए ही नहीं है और उनको काउंट नहीं किया जाएगा। अब इसी के साथ में जब भी नोटिस जा रहा है तो उस नोटिस में एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन भी आपको ऐड करना पड़ेगा। मीन्स वो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन क्या बोलेगा कि इस तरीके का रिजोल्यूशन हम पास करने वाले हैं, तो उसका एक ड्राफ्ट बना के नोटिस के साथ में आप अटैच करिए और साथ ही में आप रीजंस भी लिखिए। क्या रीजंस लिखना पड़ेगा कि आप पोस्टल बैलेट के थ्रू क्यों वोट कर रहे हैं और जनरल मीटिंग में क्यों नहीं बुला रहे हैं, ऐसे रीजंस आपको उस नोटिस में बताना पड़ेगा और सभी शेयर होल्डर्स 30 डेज में फिर उसका रिप्लाई करेंगे। तो ये हमने देखा, सबसे पहले मीनिंग देखा, अगर थ्रू पोस्टल बैलेट वोट कर दिया जाता है सो इट विल बी डीम्ड टू बी पास्ड इन अ जीएम, मतलब कि जीएम के अंदर पास हुआ है उसको ऐसा ही माना जाएगा। पोस्टल बैलेट बिल्कुल सेम हकदार है, जितनी डिग्निटी जीएम के रिजोल्यूशंस की होती है उतनी ही अगर आप पोस्टल बैलेट के थ्रू कर रहे हैं तो उनकी भी है। नोटिस का मतलब हमने देख लिया है, अब हम आगे चलते हैं एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जितनी भी कंपनीज है जो 110 के अंडर वोटिंग को मेथड को चूज कर रही है तो उनको एक एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। और वो एडवर्टाइजमेंट कैसा होगा कि उनको लिखना पड़ेगा कि 2 न्यूज़पेपर्स के अंदर उनको बताना पड़ेगा, और जब भी 2 न्यूज़पेपर्स की बात आती है यानी कि एक तो इंग्लिश लैंग्वेज वाला है और दूसरा वर्नैक्युलर लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी लोकेलिटी की लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में है तो आपको मराठी न्यूज पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा और साथ ही में इंग्लिश पेपर में भी कि हम पोस्टल बैलेट के थ्रू यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। अब जो एडवर्टाइजमेंट पोस्टल बैलेट के थ्रू हो रहा है तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि हमने लास्ट डेट यानी कि कब तक हमने पोस्टल बैलेट जितने भी है वो सब रिलीज कर दिए हैं और डिस्पैच कर दिए हैं। तो ऐसी सभी इंफॉर्मेशन हमको उस एडवर्टाइजमेंट में डालनी पड़ेगी, पर उसी के साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जितना भी आपने डिस्पैच किया है उसका डेट ऑफ कंप्लीशन प्लस जो भी वोटिंग स्टार्ट होने वाली है उसकी डेट क्या है, एंड कब होगी, और आपको कुछ स्टेटमेंट्स वहां पर डालने पड़ेंगे। जैसे कि पहला स्टेटमेंट आपको वहां पर एडवर्टाइजमेंट में ही लिखना पड़ेगा कि अगर इतने दिन के बाद में 30 डेज के बाद में अगर कोई भी रिप्लाईज आते हैं, वोट्स आते हैं असेंट डिसेंट के, तो उनको इनवैलिड माना जाएगा। आपको वहां पर स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि जिनको पोस्टल बैलेट रिसीव नहीं हुए हैं दे मे कॉल द कंपनी, मीन्स वो कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स, ये सब चीजें आपको उस एडवर्टाइजमेंट में डालनी पड़ेगी, दोनों न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, वेबसाइट पर भी आपको एडवर्टाइजमेंट रखना पड़ेगा, और अगर टाइम पीरियड की आप बात करेंगे तो 5 डेज प्रायर टू जीएम, यानी कि 5 दिन पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट 5 दिन पहले तो आपको एडवर्टाइजमेंट निकालना ही निकालना है, उसके बाद में आप निकालेंगे तो फिर सेक्शन 110 का प्रोविजन को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं और पेनल्टी के चक्कर में आप फंस जाएंगे। तो ये हमने देखा है एडवर्टाइजमेंट का थर्ड ब्लॉक, मीनिंग देखा है, नोटिस देखा है और एडवर्टाइजमेंट देखा है कि कैसे इश्यू होगा। अब इसके बाद में जो स्टोरी आती है वो आती है स्क्रूटनाइजर की। स्क्रूटनाइजर के बारे में जैसे कि हम देख ही चुके हैं, हर सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं कि स्क्रूटनाइजर का काम क्या रहेगा, वही सेम यहाँ पर भी है। पर क्वेश्चन ये होता है कि वो स्क्रूटनाइजर कौन बन सकता है, उसको अपॉइंट कौन करेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक नॉन एम्प्लॉय को, ऑब्वियसली कोई भी अगर एम्प्लॉय है कंपनी का तो उसे आप स्क्रूटनाइजर नहीं बना सकते। अगर कोई आपके कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएस है, सीएम है, तो आप उनको स्क्रूटनाइजर नहीं बना सकते। एक बाहर की पार्टी होनी चाहिए, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस्ड ना हो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक नॉन एम्प्लॉय पर्सन को स्क्रूटनाइजर बनाएंगे, वो चेयरमैन को रिपोर्ट करेगा 7 डेज के अंदर अंदर, वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी पोस्टल बैलेट की, और उसी के साथ में जितने भी पोस्टल बैलेट रिसीव हुए हैं वो सभी किसकी कस्टडी में रहेंगे, वो स्क्रूटनाइजर की कस्टडी में ही रहेंगे और कोई भी उन पोस्टल बैलेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। किसी के पास पावर नहीं है, कोई भी रीजन हो तो आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। वो सबूत है कि लोगों ने क्या और कैसे उन्होंने वोट किया है, क्योंकि एट लास्ट जब रिजल्ट्स निकलेंगे तो उन्हीं को बेस लेके रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाएगा। सो अभी तक हमने यहाँ पर 4 चीजें देख ली है कि एडवर्टाइजमेंट कैसे इश्यू होगा, स्क्रूटनाइजर कौन बन सकता है, पोस्टल बैलेट का मतलब क्या है, यहाँ पर डेडलाइन क्या है, नोटिस कितने दिन पहले भेजना है, एडवर्टाइजमेंट कितने दिन
पहले करना है, ये सब चीजें हमने समझ ली है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोस्टल बैलेट वाले सेक्शन में, वो ये है कि ऐसे कौन से बिजनेसेस है जिनको पोस्टल बैलेट से कंपल्सरीली वोट करना पड़ेगा, और ऐसे कुछ बिजनेसेस हैं जिनके लिए ये चीज ऑप्शनल है, मींस उनको पोस्टल बैलेट वोटिंग की जरूरत नहीं है। बट कंपलसरी वाले कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं, जब भी वो बिजनेसेस को ट्रांजैक्ट किया जाएगा तो पोस्टल बैलेट के थ्रू ही किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले ऑप्शनल वाले केसेस, मींस जिनको पोस्टल बैलेट के थ्रू ट्रांजैक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो भी डीजल में आपको साथ में बताऊंगा। तो सबसे पहले जब भी हम ऑर्डिनरी बिजनेस की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए पोस्टल बैलेट से आप वोटिंग नहीं कर सकते। ऑप्शनल बोला गया है, मतलब आप समझिए कि वहां पर पोस्टल बैलेट की कंपलसरी बना वहां पर नहीं है। तो जब भी ऑर्डिनरी बिजनेस आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, आप नॉर्मल जीएम में करिए, पोस्टल बैलेट के थ्रू करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन से मतलब है कि पॉइंट, वो ये है कि रिमूवल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड डायरेक्टर्स। तो जो दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा वो है रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स, मतलब कि जहां पर उनको राइट टू बी हर्ड है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप ऑडिटर को निकाल रहे हैं या फिर आप डायरेक्टर को निकाल रहे हैं, तो उन दोनों ही केसेस में क्या होता है कि उन दोनों को एक राइट दिया गया है दैट दे शुड बी हर्ड इन द मीटिंग, इन द जनरल मीटिंग जहां पर उनको हटाया जा रहा है। तो अगर आप पोस्टल बैलेट के थ्रू ये वोट करेंगे और घर बैठे बैठे लोग लिख के भेज देंगे यस चैतन्य जैन को हटाइए एज एन ऑडिटर, तो क्या मेरा जो राइट टू बी हर्ड है वो कहां पर बोलूंगा मैं, वो नहीं हो पाएगा। जब तक कंपनीज और ऑडिटर के बीच में डिस्कशन नहीं होता है, डायरेक्टर कंपनीज के बीच में डिस्कशन नहीं होता है, वो डिसीजन नहीं लिया जाता है। इसीलिए यहां पर ये दो बिजनेसेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस, और जब भी आप रिमूव करेंगे डायरेक्टर को या फिर ऑडिटर को, तो या फिर ऐसे केसेस जहां पर इन दोनों को राइट टू बी हर्ड दिया गया है इनके अलावा भी, तो उन सिचुएशंस में पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग नहीं हो सकती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ये तो बात हुई ऑप्शनल की, अब कंपलसरी है, मतलब कि कुछ ऐसे बिजनेसेस है जिनको कंपलसरीली पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग होना अति आवश्यक है, वो क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है आप ABCD से भी याद कर सकते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि ये पॉइंट्स कैसे रिलेट हो रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है कि क्या ऐसे कंपलसरी बिजनेस है जो पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करना चाहिए एस पर सेक्शन 110, उनके नाम लिखिए और एक्सप्लेन करिए। तो अब आपको पॉइंट्स याद नहीं आएंगे, पढ़ तो रखा है, पर हम ये वीडियोस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको हर चीज मेमोराइज हो जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है अल्टरेशन वाला, वहां पर है अल्टरेशन ऑन ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर करना है, और वो कहाँ होता है, वो होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, यानी कि MOA। सो ऑल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज इन MOA जब भी होगा तो आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू पोस्टिंग करनी होगी और वोट्स लेने होंगे आपको कि आप कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वही चेंज कर रहे हैं, तो आप उसके लिए पोस्टल बैलेट को अपनाइए। और साथ में मैंने लिख रखा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो अल्टरेशन है, मतलब कि जब भी आप ऑब्जेक्ट जो है आप चेंज कर रहे हैं, मींस आपने पैसा उठाया पब्लिक से और आपने और किसी रीजन के लिए उठाया था और आपने वो ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दिया, मींस जिसके लिए आपने पैसा उठाया था, जो आपका बिजनेस था कंपनी का, एंड जब आप ये काम कर रहे हो तब आपके पास में कुछ पैसा रखा हुआ है ऐसा जो अभी तक वापस नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन also। तो इन दोनों ही केसेस में आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करना आवश्यक है। ये पहला हमारा पॉइंट हुआ A से। B से अगर आप अगला बिजनेस देखेंगे जिसमें पोस्टल बैलेट की जरूरत है, वो है बायबैक ऑफ शेयर्स। जब भी आपको बायबैक करना रहेगा तो बायबैक करने के लिए आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग लेनी पड़ेगी। अब हम आगे चलते हैं C से। C से क्या है, चेंज इन द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, मीन्स आप अपने RO को चेंज करना चाह रहे हैं, और कहाँ, नॉर्मल सिटी के अंदर नहीं बट आउटसाइड योर सिटी, मतलब कि जहां पर उनका प्रिंसिपल बिजनेस एरिया है कंपनी का, उससे बाहर जाके अब कहीं और RO आप सेट करना चाहती हो, तो उस चीज के लिए आपको पोस्टल बैलेट को अपनाना पड़ेगा। डी, सो अगर हम DVR की बात करेंगे तो DVRs के केस में, मतलब कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जब भी आपको इश्यू करने होंगे तो वहां पे आपको पोस्टल बैलेट को यूज करना पड़ेगा। ये हमने देखा ABCD। अब अगला एक निमोनिक जो मैंने बनाया है याद करने के लिए, वो है SEV, सेव, यानी कि नमकीन जो हम खाते हैं। तो S से यहां पर क्या होगा, सेल ऑफ अंडरटेकिंग। जब भी आपको पार्शली,
होली, कोई भी अंडरटेकिंग सेल ऑफ करनी है, तो कंपनी को जो भी वोटिंग करनी पड़ेगी वो पोस्टल बैलेट से करनी पड़ेगी। इसके बाद में अब हम देखते हैं ई से इलेक्शंस है, मींस आपने पढ़ा होगा सेक्शन 151 हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, जो फाइनल लेवल पर भी आता है तो डायरेक्टर चैप्टर्स में, वो ये है कि सेक्शन 151 बोलता है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स जितने भी होते हैं उनके डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है या फिर इलेक्ट किया जाता है। तो वहां पर जो इलेक्शन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर होगा ना, वो भी पोस्टल बैलेट के थ्रू ही होगा। और लास्ट में है वी, वी से होता है वेरिएशंस, मींस कोई भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स का अगर राइट्स में वेरिएशन किया जा रहा है तो पोस्टल बैलेट के थ्रू होगा। सो हमने ए से दो पॉइंट थे अल्टरेशन एमओए और एओए वाला, फिर बी से हमने बायबैक देखा, सी से हमने चेंज इन द प्लेस ऑफ आरओ देखा आउटसाइड लोकल लिमिट्स, फिर हमने डी से देखा डीवीआर को हम इशू कर रहे हैं, एस ई और वी से हमने तीन पॉइंट्स देखे। अब हम आगे चलते हैं। अब जो दो पॉइंट बचे हुए बच्चों वो है सी और जी। सी से है मतलब कन्वर्जन, जब भी कोई कंपनी प्राइवेट से लेकर पब्लिक या फिर वाइस वर्सा मींस पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्ट होगी तो वहां पर आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करनी होगी। और उसी के साथ में जी से है यानी कि जब भी कोई भी चीज होगी जो रिलेटेड है लोन्स गारंटीज या फिर सिक्योरिटीज, एल जी एस जिसे हम कहते हैं, सो गिविंग ऑफ लोन्स गारंटीज और सिक्योरिटीज सेक्शन जो 186 हमने पढ़ रखा है, जो कंपनी के लिमिट्स को बताता है कि आपको कितनी लिमिट्स तक आप लोन दे सकते हो, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है, फ्री रिजर्व्स है, उनके बेसिस पर है कि आपकी लिमिट निकलती है। तो अगर उस लिमिट से भी ऊपर आप जा रहे हो या फिर उस लिमिट का आप कुछ ना कुछ लोन्स गारंटी सिक्योरिटीज दे रहे हो और आपको वोटिंग लेनी है तो वहां भी आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग लेनी होगी। सो यहां पर हमने क्या समझा है अभी तक, हमने वो सारे बिजनेसेस देखे हैं जो कंपल्सरीली आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग लेनी पड़ेगी। हमने ए के दो पॉइंट, बी सी और डी, ऐसे पांच पॉइंट शुरुआत में हमने देखे, उसके बाद में हमने एस ई वी देखा सेव, और फिर हमने देखा सी जी, ऐसे हमने टोटल 10 पॉइंट्स देखे हैं जहां पर ऐसे बिजनेसेस हैं जो आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू कंपल्सरीली वोट करने हैं। बट सबसे आखिरी में आपको एक पॉइंट दिखेगा जो मैंने लिख रखा है कि प्रोवाइडेड ये सारे बिजनेसेस हैं ये कंपल्सरी नहीं रहेंगे, अगर जो कंपनीज है वो है ओपीसी, अगर 1% कंपनी है और वो ये सब ऊपर बताए हुए काम कर रही है तो कंपलसरी नहीं कि वो पोस्टल बैलेट के थ्रू काम करे। और इसके अलावा अगर ऐसी कोई भी कंपनी है जिसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 200 से कम है, अब आप बोलेंगे 200 से कम तो पब्लिक कंपनी भी हो सकती है प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि प्राइवेट ही हो सिर्फ, यस पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी कोई भी हो जिनके 200 से कम मेंबर्स हैं उनको भी ये सब ट्रांजेक्शन के लिए बिजनेसेस के लिए पोस्टल बैलेट की जरूरत नहीं है। सो अगर हम इस पूरे वीडियो को समराइज करने की कोशिश करेंगे तो हमने सेक्शन 108 इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हमने देखा है और साथ ही में हमने 110 आपको बताया है। 110 की हाइलाइट्स ये है कि पोस्टल बैलेट आप इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू भी कर सकते हैं जीएम में बैठे बैठे, ये अमेंडमेंट आ चुका है। जैसी कंपनीज है जिनको इलेक्ट्रॉनिकली 108 फिट बैठता है तो वो वहां पर प्रोविजंस को फॉलो कर सकती है। पोस्टल बैलेट के लिए लिस्ट ऑफ 10 ऐसे बिजनेस जो कंपलसरी करना है, पर ऑप्शनल के केस में ऑर्डिनरी बिजनेस है और ऐसे सभी बिजनेस जहां पर ऑडिटर और डायरेक्टर को राइट टू बी हर्ड है दैट इज उनका जो रिमूवल है, उन जगह पोस्टल बैलेट को यूज नहीं किया जा सकता है। स्क्रूटनाइजर का पॉइंट हमने देख लिया है, एडवर्टाइजमेंट आपको देना पड़ेगा, बोल्ड लाउड एंड क्लियर वहां पर लिखना पड़ेगा पोस्टल बैलेट कब डिस्पैच करे हैं, कब से कब तक वोटिंग है, कुछ स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, नोटिस आपको देना पड़ेगा, नोटिस का रिप्लाई 30 डेज में आ जाना चाहिए शेयर होल्डर्स का असेंट या फिर डिसेंट का, और एक बार कोई भी रिजोल्यूशन पास हो गया पोस्टल बैलेट के थ्रू सो दैट शेल बी डीम्ड टू बी पास्ड एट जीएम ऑल्सो। ये हमने 110 देखा है और 108 देखा है। इसी सेक्शन के साथ में हमारा जो वोटिंग वाला सेक्शन है पूरा, मतलब कि 106 से लेकर 110, वो यहां पर समाप्त होता है। जिन्होंने पुराने तीन सेक्शंस नहीं देखे, मतलब इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, तो आपके ये इंपॉर्टेंट 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे पांच सेक्शंस पूरे कवर हो जाएंगे एंड यू विल बी थ्रू विद दीज वोटिंग सेक्शंस। सो दिस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, आप नोट्स बना रहे होंगे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ई कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए, धन्यवाद।